सीएए आमचं वचन होतं आणि ते आम्ही पूर्ण केलंय, यात आम्ही काही गुन्हा केला नाही, अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग यांनी विरोधकांवरती निशाणा साधलाय. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी मेरठमधल्या सीएए समर्थन रॅलीला संबोधित केलं आणि त्यावेळी ते बोलत होते. पिछली सरकार में गृह मंत्री रहते हुए इस बिल को मैंने बनाया था और भारत की लोकसभा में जनवरी 2019 में यह पारित भी हुआ था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह नहीं पारित हो पाया था. इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया कि उस समय यह बिल नहीं पारित हो पाया था, इसलिए इस बार यह बिल पेश किया जाना चाहिए. और हम लोगों ने बिल पेश किया, लोकसभा ने भी इसे पारित कर दिया और राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया. यह हमारा वादा था, हमने अपने वादे को पूरा किया, हमने कोई अपराध नहीं किया. लेकिन इसे हिंदू और मुसलमान की नजरिए से देखा जा रहा है. बहनों भाइयों, मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कह सकता हूं, संदेह चाहे कोई भी कर ले, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म के आधार पर नहीं सोचता है. हमारा प्रधानमंत्री भी सोचता है तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर सोचता है. सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, यह है हमारे प्रधानमंत्री का नाम. लेकिन कुछ ऐसे ताकतें हैं जो कि हिंदू और मुसलमानों को बराबर बांट करके भारत में लंबे समय तक वह राजनीति करती रही हैं और सत्ता का स्वाद चखती रही हैं.